एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अगर आप भी चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम हिंदी में 95% से भी अधिक नंबर लाने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है, युग पूछ रखा है। युग का मतलब क्या हो गया कि ये द्विवेदी युग के थे या छायावादी युग के थे, ठीक है, या भारतेंदु युग के थे या प्रयोगवादी युग के थे, यानी कई प्रकार के हिंदी में युग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सही सही पता रहेगा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे, सही सही आपको आंसर पता रहेगा, तभी आपको एक नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है, वो द्विवेदी युग के कवि थे। किस युग के? द्विवेदी युग के। तो यहाँ पे हम आंसर आपको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द्विवेदी युग के, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे। तो यहाँ पे देखिए द्विवेदी युग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि, ओके। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले कि आप लोग अपने सभी दोस्तों में हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, यानी जो तुलसीदास है, ठीक है, तुलसीदास किस युग के कवि हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुलसीदास के गुरु का नाम पूछ रखा है। तो जो तुलसीदास के गुरु थे, ठीक है, वो कौन थे, नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरहरिदास। तो यहाँ पे हो गया नर हरिदास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराएंगे, जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम हिंदी में, ठीक है, 100 में 100 पूरे के पूरे नंबर लाएंगे, यानी ऐसी तैयारी हम आप सभी को कराएंगे। वैसे भी हमारे चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की स्टडी हो रही है, लेकिन हिंदी की तैयारी काफ़ी संपूर्ण तरीके से कराई जा रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर सागर किसकी रचना है, ठीक है, जो सूर सागर है वो किसकी रचना है। अगर आप लोग, हमारे सुबह की वीडियो आया था सूरदास का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th के, ठीक है, आपके पद वाले चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो अगर आप लोग वो जीवन परिचय देखे होंगे, तो उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट रचना को भी बताए हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा कि सूर सागर किसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका है, सूरदास का। किसका? सूरदास का। तो यहाँ पे हो गए सूरदास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था, ठीक है। तो जो तुलसीदास थे, जो कि भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है रामचरितमानस, तो आपको ये भी तैयार रखना है। तो तुलसीदास जो है, ठीक है, इन्होंने जब इनका जन्म हुआ था, तो अचानक इनके, ठीक है, मुँह से निकल गया था राम का नाम, ठीक है, इसलिए इन्हें राम बोला कहते हैं। क्या कहते हैं? राम बोला, या इसे तुला राम भी कहते हैं। तुला मतलब होता है बोलना ही, तो इसलिए इन्हें राम बोला कहते हैं। क्या कहते हैं? राम बोला। इसके अलावा इन्हें तुला राम, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा इनको क्या कहते हैं, तुला राम भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आप सभी को बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर देखिए, जो रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो घनानंद है। कौन है? घनानंद।
तो यहाँ पे देखिए प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से कई विशेषता आते हैं, जैसे प्रयोगवादी हो गया, ठीक है, छायावादी के दो विशेषता, रीतिकाल के दो विशेषता, भक्तिकाल के दो विशेषता। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे, ठीक है, हिंदी क्लास 10 के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं और कई इंपॉर्टेंट विशेषता भी बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और सभी वीडियो को देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रयोगवादी कविता के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। पहला है कि नए बिंब तथा प्रतीक, ठीक है, नए बिंब तथा प्रतीक। दूसरा क्या है, विद्रोह का स्वर, यानी विद्रोह का स्वर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसू के रचयिता कौन है। तो आंसू जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है और ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कठिन, इसके बाद देखिए नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको सुनकर काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो ये है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है, यानी कठिन काव्य का प्रेत यानी भूत कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो केशव दास हैं, कौन है, केशव दास, तो यहाँ पे जो केशव दास है इन्हें कठिन काव्य की प्रेत कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यानी हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य था वो कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो, यानी जो पृथ्वीराज रासो था वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य था, ठीक है। इसकी जो रचना है वो चंदर बरदाई है, तो आप लोग इसे भी याद रखिए, ठीक है, चंद बरदाई। तो यहाँ पे देखिए जो इसके लेखक थे, ठीक है, वो चंद बरदाई थे, ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे चदरा और रजाई लिख दे, ठीक है, चंद बरदाई थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो जो रीतिकाल है इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं, तो यहाँ पे इसका अन्य नाम क्या हो गया, श्रृंगार काल हो गया, ठीक है, श्रृंगार काल, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ज़रूर तैयार करना है। नेक्स्ट हम आप सभी से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आप सभी से पूछते हैं कि यामा किसकी रचना है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह हिंदी के और भी इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।